श्रीराम जय राम राम श्रीराम जय राम जय जय राम सच्चिदानन्द भगवान की सनातन धर्म की अभी पहले की सभा में कहा था दुख का मूल द्वैत है दुख की निवृत्ति अद्वैत में है पर अद्वैत बोध के लिए नानत्व का मिथ्यात्व तो बोध होना आवश्यक है क्योंकि एक सत्य है ये तब तक नहीं समझ आएगा जब तक यह दिखाई पड़ने वाला झूठा ना हो क्यों तो सीधा द्वैत है अनेक है इसका मिथ्यात्व तो बोध हो तो अद्वैत का अनुभव गहरा होगा स्पष्ट इस होगा इसलिए जगत के मिथ्यात्व का विचार बार बार करना चाहिए इसलिए इस रोग की एक ही दवा है अद्वैत द्वैत के विचार का नाश द्वैत की सत्यता का बाध अद्वैत का बोध बोध मात्रो हम अज्ञात उपाधि कल्पितो मया अज्ञान से उपाधि मैंने कल्पित की है आपको लगता नहीं कि मैंने बनाई है यह मुझसे बनी है स्वप्न भी स्वप्न में किसी को नहीं लगता कि मुझसे बना है मैं ही कारण हूं इसका नहीं समझ आता जगने पर विचार करें तो धीरे धीरे अनुभव होगा इसी तरह से मैं बोधमात्र हूँ अर्थात चिन्ह मात्र हूँ ज्ञाता व्याता नहीं चिन्ह मात्र चैतन्य भर हूँ ज्ञाता नहीं ज्ञाता बनते ही गे खड़ा होता है ज्ञान खड़ा होता है दृष्टा बनते ही दृश्य खड़ा होता है तो जो दृष्टा दृश्य दृष्टा ज्ञाता ज्ञान गे मैं तू ये ये जो उपाधि है वो अज्ञान से कल्पित हो गई है अज्ञान से निर्मित हुई है अज्ञान अनादि था उस अज्ञान के कारण ये उपाधि कल्पित की और ये कल्पित की सत्यता बार बार बनी रहती है और उस सत्यता के कारण ये प्रवाह चलता रहता है एक बार दिया जला दो वो जलता रहता जलता रहता जलता रहता अनादि काल से ये भ्रांति पनप रही है इस कल्पित उपाधि को एवं विस्मृष्य नित्यम निर्विकल्पे स्थिति मम मेरी स्थिति इसमें निर्विकल्प हुई है या हो जाती है एवं विमिश्य तो नित्यम बार 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 इस विचार करता रहे बार बार विचार करता रहे छुट्टी नहीं बार बार विचारे ये क्या है ये जो दिखाई पड़ता है ये सब क्या है तो दिखाई पड़ने वाली चीज़ों को बार बार मिथ्यात्व निश्चय करें और अपनी आत्मा की हाँ निर्विकारता चैतन्यता रसमयता आनंद रूपता अनुभव करनी चाहिए क्योंकि अनुभव की ही बात है नित्य आत्मा रहते हुए क्योंकि उसमें विचार नहीं है कोई तो यदि गलत विचार है तो अच्छा विचार जरूरी है ध्यान रखें आत्मा को विचार की जरूरत नहीं है पर जब आत्मा को कोई विचार नहीं था तब अज्ञान बस कोई विचार पकड़ गया यदि तुम कुछ न जानते हो तो चाहे कुछ जना दिया जाए कुछ जानने वालों को बदलना कठिन है तो आत्मा चेतन मात्र है उसको कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं चेतन हूं कि क्या हूं मैं ब्रह्म हूं कभी नहीं विचार इस विचार की इसीलिए हमने कल या परसों कहा था कि ईश्वर सर्वज्ञ है जीव अल्पज्ञ है ब्रह्म न है ना अल्पज्ञ है ना वो ज्ञानी है ना वो अज्ञानी है सिर्फ चेतन है उस सिर्फ चेतनता के कारण उसमें जब उपाधि अज्ञान से कोई चीज हुई बस वही सच्ची लगती रही और वो अनादिकाल से प्रवाह चलता रहा इसलिए एक बार अल्पज्ञता चली जाए मैं अल्पज्ञ सर्वज्ञ नहीं मैं चेतन हूँ तो ये मैं चेतन हूँ ये बोध होना चाहिए मैं चेतन हूँ मैं सदा हूँ ये बोध नहीं होने से ही मैं सीमित और, और कुछ उपाधिक कल्पनाएँ की हैं इसलिए अज्ञान के कारण जो उपाधि कल्पित हुई है इस उपाधि को बार बार विचारना चाहिए इसके बार बार विचार से निर्विकल्पे स्थितिम बार बार इसके विचार से जनक कहते मेरी स्थिति दृढ़ हुई है इसका मतलब तुमको भी इसका बार 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 विचार करना चाहिए शंकराचार्य कहते हैं जब से नींद खुल जाए और नींद ना होए काम काज से निपटकर बीच बीच इसका विचार करते रहो काम करो काम के समय यदि विचार रहे तो रहे नहीं तो चलो जाने दो स्वप्न के समय स्वप्न स्वप्न ना लगे कोई चिंता नहीं जग जाने पे तो लगे ऐसे ही काम काज में भूल जाओ व्यस्त हो जाओ लेकिन जब एक काम से छुट्टी मिले तो थोड़ी देर को फिर विचार करो क्या सोच रहे थे क्या चाह रहे थे क्या हो जाएगा आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा कहाँ सिरमारी करते हो इस तरह बार बार जगत की मिथ्यात्व का विचार करोगे तो विचार के बल से ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी और तुम्हारी निर्विकल्प स्थिति हो जाएगी दृढ़ हो जाएगी मैं निर्विकल्प चैतन्य मुझ में कोई कमी नहीं है ये बार बार विचार से समझ आएगी पक्की होगी जब जब इसकी अनित्यता का विचार करोगे अब ये नहीं करोगे तो नहीं होगा सुन के भी मैंने देखा परीक्षा के दिनों में जो हमने पहले से साल भर पढ़ा होता है वो तो परीक्षा के बाद भी रहता है पर जो परीक्षा के दिन पढ़ लेते हैं उसी दिन लिख आते हैं संयोग से अभी अभी फ़ोन नंबर याद करके अभी फ़ोन कर लूँ कल भूल जाऊँगा पर जिस फोन को सौ बार रिपीट कर दिया हो वो नहीं भूलूंगा तो यहां सुनकर के तुम ब्रह्म हो भी जाओ तो भरोसा नहीं है कि कल तक तुम याद रख सकोगे कहीं का तो यहीं उठ के चले जाओगे इसलिए इस बात का बार बार विचार करो कि जो दिखाई देता है ये वास्तविक नहीं है ये जो अवस्थाएं हैं ये वास्तविक नहीं है ये माया मात्र है अज्ञान मात्र है ज्ञान स्वरूप तो मैं ही चेतन हूं ज्ञान स्वरूप हुई ज्यादा करना नहीं है ज्ञान स्वरूप होना नहीं है सिर्फ ये स्मरण करना है कि मैं चिद्रूप हूँ और यह सब जड़ प्रतीत होता है और जो प्रतीत होता है ये भी वास्तविक नहीं है इसलिए जड़ भी क्या कहें प्रतीति मात्र है ये बार बार विचार करने से निर्विकल्प स्थिति मेरी हुई है किसने कहा जनक ने जनक कहते हैं ऐसे हुई है अहो मई स्थितम विश्वम वस्तु तो न मई स्थितम आह आश्चर्य है कि मैं स्थितम विश्वम मुझ में संसार स्थित है मुझ में संसार रह रहा मैं नहीं संसार में रह रहा जरा ध्यान देना आप कहा रह रहे हैं देह में आप इंद्रियों में रह रहे हैं आप में इंद्रियां नहीं रह रहे मिट्टी में मकान रहता है मिट्टी किसी मकान में नहीं रहती मिट्टी अपने रहने के लिए मकान की मोहताज नहीं है घड़े की मोहताज नहीं है मिट्टी के सहारे घड़े आदि रहते हैं मकान आदि रहते हैं गहने सोने के सहारे रहते हैं अब सोना कहे मैं गहने में रहता हूं ये नहीं होगा तो मैं कहाँ रहूंगा सोचते हो ना कि हम कहाँ रहेंगे मन नहीं होगा तो हम जिंदा होंगे कि नहीं तन नहीं होगा तो क्या होगा बुद्धि नहीं होगी विचार नहीं होंगे तो हम होंगे कि नहीं इसलिए इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि मत न लख है जो मत इक है सो में शुद्ध पार मैं मति से नहीं मति मेरे से मन मेरे से पदार्थ मेरे से प्रतीत होते हैं इसलिए ये मेरे आश्रित हैं ये मुझ में रहते हैं मैं इनके आश्रित नहीं हूं इसीलिए भक्ति के स्तर पर जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं क्या है मैं हूं संसार के हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में पर कहते हैं संसार तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हो किसी के हाथों में तुम किसी के हाथ नहीं हो तुम्हारे हाथ में सब है पर ये ये अभी एक बार समझे ही नहीं आ रहे वो पुरानी जो आदत पड़ी है मैं इसमें अधीन हूं मैं उसके आधीन हूं तो एक बार सोच इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा जब अर्जुन ने पूछा मेरे से बुरे काम कौन कराता है तो भगवान नहीं काम कराता है कामना करा लेती है तो कहते फिर कामना से मेरा कोई बस नहीं चलता कह नहीं चलेगा चलाना है तो बताएं विषय से परे इंद्रिया हैं इंद्रिय व्या परम मना मन सस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे पर सस्तुषा बुद्धिरात्मा महान परा तू बुद्धि से भी महान है तू बुद्धि भर के लिए नहीं तो बुद्धि से बड़ा है महान है तू ये ख्याल कर पहले तू आत्मा होगा आत्मा तो है पर तू आत्मा नहीं है ब्रह्म तो है पर तू ब्रह्म नहीं है चेतन तो है पर तू देह है देखो तू चेतन है लेकिन तू जानता है मैं देह हूं अब तेरी क्या बस है देह बूढ़ा होगा तू बूढ़ा होगा मन जगेगा तू जगेगा मन सोएगा तू सो जाएगा तू अपने को जानते ही है ही है इसलिए तू स्वामी कैसे होगा स्वामी होने के लिए जरूरी है कि जो तू है पहले तू अपने को समझ कि मैं नौकर नहीं हूं मालिक हूँ मैंने सुना कि एक लड़का राजा राजा का खो गया था राजा शिकार खेलने जाता था एक दिन बच्चे को भी बिठा ले गया पर जब शिकार के पीछे भगना पड़ा तो सोचा बच्चा इतनी जल्दी में गिर जाएगा बच्चे को उतार लिया और शिकार खेल के पीछे गया खेलते खेलते इतना भटक गया कि लौटे तब तक बच्चा वहां नहीं मिला वो किसी वनवासी ने पाल लिया ले गया वो पलता रहा अब राजा बड़ा दुखी घर रहते रहा दुखी रहा बहुत दिन बीत गए बीस दस पंद्रह वर्ष बीत गए अब वो उसका कोई मकान बने तो नौकरों की जरूरत पड़े तो गरीब लोग आते हैं अमीर तो कोई लेबर का काम करता नहीं गरीब लोग आते थे उसमें वो लड़का भी जो कि वनवासियों के यहाँ पला लेबर का काम करे लेकिन वो सुंदर लड़का था स्वस्थ लड़का था राजा को लगे ये लड़का कितना अच्छा है तो थोड़ा रियायत भी करे उसको थोड़ा ज़्यादा भी देवे प्रसन्न रहे बार बार ये पूछना चाहे कि तू कौन है कहाँ से आए कह मुझे नहीं मैं माँ बाप से पूछूंगा वो फिर राजा गया माँ बाप से भी पता लगाया कि हमें तो जंगल में मिला था इस जगह तो राजा को ख्याल आया तो मेरा ही लड़का है तो लेबर का काम बंद हो गया गद्दी में बिठा दिया वो राजा हो गया जरा सी भूल से राजकुमार लेबर का काम करता था मजदूरी करता था जरा सा परिचय खुला तो गद्दी का मालिक हो गया लोगों से काम लेने लगा तो तुम भी एक बार हा ये लेबर के काम में लगे पड़े हो मजदूरी कर रहे हो एक बार तुम अपने घर में राजा पहचान जाए कि ये मेरा ही अंश है तो तुम अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानो देखो तुम दुनिया के मालिक बन जाओगे तुम दुनिया के अधीन नहीं हो दुनिया तुम्हारे अधीन है तुम इंद्रियों के अधीन नहीं हो मन के अधीन नहीं हो ये तुम्हारे अधीन है तुम अब अभी ये तक नहीं समझे कि मेरे लिए तो मन गया है किसको सुखी करने के लिए मन गया बोलो किसके सुख के लिए मन पाप करता है किसके सुख के लिए इंद्रियां जाती है बोलो अब किसको बचाने के लिए डरते हो क्या मान के देव यदि दे नहीं हो तो बचाने का क्या और तुम मन और इंद्रिया नहीं हो तो इनकी खुशी में तेरा क्या कहीं ना कहीं इनकी खुशी से तुम खुश होते हो इसके जिंदा रहने से तुम जिंदा हो और ये कमी तुम्हारी अपनी ना समझी से है यदि तुम ठीक समझ जाओ तो इनके कारण तुम सुखी थोड़ा हो ये सुख ला के तुम्हें क्यों दे जिस दिन तुम बिना एक बार इंद्रियों के सुख का अनुभव करोगे बिना इंद्रियों के तुम चैतन्य हो ये अनुभव करोगे बिना देह के तुम्हारा अस्तित्व है उस दिन से दुख भी गए मौत भी गई सारे बंधन चले गए लेकिन ये करने में मेहनत पड़ेगी इंद्रियां कहेंगी वही सुख है इंद्रियां कहेंगी यही आनंद है और तुम ले भी लो मना नहीं है ले लो लेकिन कभी तो लगे कि अब इस समय इंद्रियां नहीं है मैं अपने घर में आनंदित हूँ एक अनुभव तो करो कुछ क्षण तो बिना इनके रहो जब इंद्रियां ना हो इनकी जरूरत ना हो मन ना हो फिर देखो तुम चेतन हो और आनंद में हो कोई दुख नहीं इनसे पहले आनंद मिला अब यही इंद्रियां कहती आनंद वहां है तुम्हारे भीतर नहीं है चैतन्यता यहां है ज्ञान बाहर है मैं ज्ञान स्वरूप नहीं हूं मैं बोध नहीं हूं बोध बाहर से लाना है आनंद बाहर मैं जीवन नहीं हूं अस्तित्व नहीं हूं सत्य नहीं हूं देह रहेगा तो मैं जिंदा रहूंगा ये भ्रम पैदा हुआ है इस भ्रम को तोड़ दो तो तुम सच्चिदानंद अद्वै ब्रह्म हो ये सुनते हम भी थे शुरू शुरू में अपन भी सुनते थे सुनते से अच्छा लगता था पर मैं सच्चिदानंद हूँ ब्रह्मा हूं चैतन्य हूँ बिना मन के भी आनंद है, ये समझ नहीं आता था आना, लेकिन अब दोनों खाते का भी आनंद हमें मिलता है मिलता है लेकिन बिना खाए भी आनंद में हम होते हैं मान प्यार का भी आनंद मिलता है कभी प्यार मान कुछ नहीं है अकेले केवल और तब भी आनंद है वो एक बार नमूना मिलना चाहिए सिंपल अभी तुम्हें आत्मा के आनंद का तो सिंपल ही नहीं है सारे जितने सिंपल इकट्ठे किए सब बाजार से लाए वो एको काम के नहीं और तुम यही खरीदते रहते हो इसलिए अहो मई स्थितम विश्वम बस तो न मैं स्थित अब एक और बात कह दी वैसे तो सारा संसार मुझ में स्थित है और कहते हैं वैसे मुझ में स्थित भी नहीं है सिर्फ दिखता ही है स्थित भी कहाँ है देखो आ, सोने में गहना रहता है रहता है है भी क्या क्या है जो रहता है एक गहना नाम छोड़कर गहना नाम छोड़कर बताओ क्या है जो रहता है सोने में हैं? तो गहना कहां रहता है इसीलिए रमणम विकारो केवल जबान से कहना है कि यह गह ये गहना है जबान से कहने भर को है कि ये लहर है।, है तो पानी तो पहले लहर है फिर पानी में रहती है बड़ा अच्छा है पानी में रहती फिर पानी कहता है वैसे रहती भी कुछ नहीं मैं ही अकेला रहता हूं कहा लहर वहर रहती में कहां जगत रहता है इसलिए दो वाक्य है अहो मई स्थितम विश्वम आश्चर्य जगत मुझ में रहता है फिर और आश्चर्य क्या वस्तु तो न मई स्थितम वास्तव में तो मेरे में जगत रहता ही नहीं मैं अकेला ही रहता हूं आ पर अभी जल्दी मजा सिर्फ सुनने का ले रहे हो ये अभी सोचने का मौका ही नहीं लगता हम जरूर कभी कभी अकेले होते हैं हमें कोई होता ही नहीं कैवल्य कैवल्य अकेले अकेले मिट्टी कोई बर्तन कोई पहाड़ कोई पेड़ कुछ नहीं है मिट्टी ये तो एक ख्याल है दिमागी कि कुछ है यद ये घड़े में तुम घड़े की कल्पना कर रहे हो असल में तो मिट्टी को चाहिए कि वो घड़े की कल्पना ही ना करे पर मिट्टी भी घड़ा रह चुकी थोड़ा खेल चुकी घड़ी का प्रेम पाया अब वो लगता है जैसे बिना घड़ी के कुछ मजा ही ना आएगा आ, ये मजा के कारण भी गड़बड़ है मजा के कारण ब्रह्म नहीं मिल रहा क्योंकि जहां मिलता है तुम कहोगे कुछ नहीं है जब कुछ नहीं है तो दौड़ भाग खत्म हो जाएगी ये जो दौड़ने में लगे हो ये मिले ये मिले आपदापी खत्म हो जाएगी एक बार तो देखो कि तेरे सिवा कुछ नहीं है तो तुझे लेना कहाँ से है तुझे जीवन लेना है कि आनंद लेना है कि क्या मांगना है पर वो जो आदत पड़ गई मांगने की भिखारी की एक एक भिखारी था भिखारी भिखारी मांगता फिरता था किसी अभिनेता ने देखा कि यार ये भिखारी है ये अच्छा पार्ट अदा करेगा पिक्चर में अब गांव में मिल गया उन्होंने कहा ये तुम हमारे अभिनय में चलो तुम तो भीख मांगने का अभिनय करना नाटक करना अब नाटक वाला तो तब भी नाटक करता है वो तो असली भिखारी है वो कोई नाटक थोड़ी करता है भिखारी है कहता है नाटक क्या मैं तो सचमुच ही मांगता हूं तो उन्होंने कहा तुम वहां नाटक कर देना तो तुमको पैसे देंगे दस हजार कहने लगे नहीं नहीं है न बीस हजार देंगे सोचा ये बीस हजार कैसे देगा कहे दस पहले ले ले दस करने के बाद देंगे तो दस हजार ले लिया अब वो पिक्चर बनता था तो भीख मांग रहा है जैसे रोड पे मांगता था मांग रहा है तो बाद में किसी ने पूछा कि जब तू रोड में मांगता था तब कह तब मैं भिखारी था कहीं जब वहां मांगता था तो कहने लगे मैं धनी था सिर्फ मांगने का नाटक कर रहा था फर्क समझ लें तो मांगने का सब नाटक हो जाए मांगना क्या है मांगना ही खत्म आज जिस दिन और बताए जिस दिन तुम्हें अपनी सत्यता मैं सत्य हूं मुझे उधार का जीवन नहीं चाहिए मैं आनंद हूं मुझे कहीं से नहीं लेना असल में उस दिन तुम बादशाह होगे जिस दिन आनंद नहीं मांगोगे कहीं से एक ही चीज है जो खतरा है तुम सुख कहीं से मांगते हो आप तो नहीं मांगते मांगते नहीं हो बल्कि मांग के ले रहे हो यह भी नहीं कि निराश हुए हो कहीं और से ही सुख ले रहे हो आप कभी सुखी अनुभव नहीं करते थोड़ी देर होता है जो ले आते हो उतनी देर सुख मिला और फिर बाद में नंगे के नंगे बिना सुख के फिर ले आए रोज मांग मांग के खाते हो एको दिन तुम्हें अपने घर का आनंद नहीं मिला इसलिए विश्व मुझ में है ये बड़ा आश्चर्य है अभी तक मैं समझता था मैं देह में रहता हूं देह में देह छोड़ो विश्व मुझ में रहता है और महा आश्चर्य है ये कि विश्व भी मुझ में रहता कहा है हो तब रहे मैं तो अकेला ही हूं इतनी सूक्ष्म बुद्धि ऐसी समझ कि मेरे सिवा कुछ नहीं और जरा सा मन आपका लौटाए अमन हो जाए कहां है संसार पर मन 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 इसी की सेवा में लगे पड़े हो इस नौकर को पाले जा रहे हो तुम नौकर हो गए हो ये मालिक बन के बैठा है तुम मर रहे हो आत्म शरीर जिंदा शरीर को जीवन दे दिया तुम मर रहे हो तुमने शरीर को जिलाया शरीर तुम्हें मारेगा देखो कई को तुम ही पालो वो तुम्हारी हत्या करे तुम शरीर को जन्म देकर शरीर के सहारे होकर तुमने तो इसको जीवन दे दिया जानो या ना जानो पर यह तुम्हें मौत देगा तुमने इंद्रियों को सुख पहुंचाया ये इंद्रियां तुम्हें दुख पहुंचाएंगी एक बार तुम मालिक हो जाओ इनके बिना हो जाओ इसलिए एक बार ये समझो कि ये सब मुझ में रहते हैं एक आदमी एक इंद्री नहीं एक मन नहीं सब मुझ में रहता है अभी कल्पना लगेगी लेकिन भाव करो सब मुझ में रहते हैं मैं चैतन्य हूँ ये आकाश पाताल जितने हैं सब मेरे चैतन्यता में चैतन्य यहाँ नहीं बंद है ये इंद्रिय चैतन्य तो असीम है जिसमें सारा संसार रहता है और जब ख्याल आएगा कि चैतन्य असीम है तब अंत में यह ख्याल आएगा कि संसार है ही नहीं असीम तो एक ही हो सकता है एक असीम हो जाएगा तो ससीम को रहने की जगह ही नहीं रहेगी यदि असीम ही सब जगह है तो सीमित रह क्या गया जब चैतन्य ही सब जगह है तो जड़ बचेगा क्या यदि चेतन कहीं होता कहीं ना होता तो जड़ होता अभी तुम्हें लगता है यहां चेतन वहां जड़ ये चेतन वो जड़ तो ये वचन बड़े महत्व का है कि आ में सारा संसार है, तो स्थित है पर वस्तु तो न मई स्थितम पर सचमुच मुझ में स्थित नहीं है क्यों स्थित नहीं है सचमुच क्योंकि है ही नहीं है अर्थ इसलिए सचमुच मुझ में नहीं है इसका मतलब झूठ मुझ में नहीं यदि है तो मुझ में स्थित है मेरे बिना नहीं और यदि ये दिख गया कि मैं ही तो हूं ये है कहाँ? तो फिर मेरे में संसार भी नहीं है फिर कौन है मैं केवल हूँ। अब केवल अपने आप से न कोई मारने वाला न लड़ने वाला न प्यार देने वाला ना झगड़ा करने वाला ऐसा कुछ क्षण इस स्वभाव में जागो यदि बहुत देर स्वप्न देखा तो जागो बहुत देर संसार है देखा और मैं हूं देखा मर जाऊंगा देखा ये मर जाएगा देखा पहले इसको है देखा फिर बदलता देखा मरता देखा बिछुड़ता देखा एक क्षण देखो सब मुझ में है मुझसे अलग कोई नहीं जा सकता और ही में लय होगा और अंत में देखो कुछ है ही नहीं क्या लय होगा क्या है ऐसा देखो तो बात बनेगी तो न मैं बंधोस्ती जब ये देख लोगे तो न मैं बंधोस्त फिर लगेगा मुझ में बंधन नहीं है में बंधोस्ती मोक्ष हो न मोक्ष ही है में जब मरते नहीं तो अमर क्या हुआ जब बंध ही नहीं तो छूटा क्या भ्रम था इसलिए मुझ में न तो बंध है न में मोक्ष है केवल भ्रांति थी भ्रांति का निवारण हुआ और अपना आप जैसा है और आश्रय यदि मैं होता और भी देखो मैं कोई इसको ऐसे नहीं लिया ये देखो यदि इसको मैं भी अपने सिर में रख लूं तो भले ना बोझ हो पर थोड़ा है कभी कभी ये जो माला होती है ना इसका भी थोड़ा बोझ होता है यदि ये, ये कुछ होता इसका मैं आश्रय होता तो ये थोड़ा बहुत बोझ होता ये है ही नहीं मैं आश्रय किसका क्या है स्वप्नों का आश्रय क्या स्वप्न है कोई पदार्थ है क्या लगता था पदार्थ जब जागे कुछ भी नहीं कहीं तुमने बंधन नहीं मोक्ष नहीं कोई आश्रय नहीं इस तरह से और यदि ये तुम जान सको भ्रांति शांता भ्रांति समाप्त तो हो गई शांत हो गई भ्रम मिट गया इसके होने का भ्रम मिट गया और अपने होने का भ्रम चला गया कि मैं ऐसा हूं कि वो ऐसा हूं भ्रम निवृत्त तो हो गया मैं भ्रम रहित हूं कोई संदेह नहीं अपने होने में अपने होने में कोई संदेह नहीं रह गया और आज के ध्यान में यही देखना है कि तुम हो कि नहीं अभी नहीं सब जगह हो तो कहीं तो होगे कहीं मिल जाओगे तो फिर और बताएंगे पहले मिट्टी चलो एक ढेले में मिल जाए एक ईंटे में एक दिव कहीं तो होवे फिर बताएंगे तुम कहाँ रहते हो फिर बताएंगे कि मकान रहता है कि तुम रहते हो धीरे धीरे हाँ तो अब आ, ये आपके जो पैर हैं सुन्न हो जाते हैं पहले ही इसीलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ नहीं होगा वो बाद में किया करो पैर फैलाकर खड़े होकर थोड़ी देर किसी स्थिति में पर तुम इन हाथों को रखो जैसे दीवाल को बनाए रखो और दीवाल में पहले प्रवेश करो पूरी दीवाल में कि तुम कौन हो और तुम ऐसे जाओ दीवाल के भीतर कि दीवाल ही खो जाए तुम ऐसे प्रविष्ट हो जाओ तुम ऐसे आंखों में हाजिर हो जाओ तुम ऐसे मन में रहो सजग होके चेतन होके कि तुम तो रह जाओ दीवाल ही गायब हो जाए तुम तो रह जाओ संसारिक हो जाए ऐसा हो सकता है इसलिए ध्यान में जगत नहीं रहता इस सजगता को उपलब्ध करो अब आप जिस आसन में बैठना चाहो जिस पोज में बैठना चाहो बैठ जाओ जिसमें पैर तुमको गायब करने में सुविधा हो जाए क्योंकि दर्द होगा तो पैर गायब नहीं होगा देर लगेगी इसलिए दर्द ना हो टांग में पैरों में शरीर में और शरीर को बिल्कुल ढीला कर दो पहले जैसा बैठना बैठो फिर सारे शरीर को एकदम ढीला कर दो जैसे गुब्बारा नरम हो जाए गुब्बारा नरम और ना हो वे नरम तो श्वास भरो और जरा सा शरीर को टाइट करो और फिर ढीला कर दो रिलैक्स होना क्या है टाइट होना क्या है श्वास को भरिए जितनी भर जितना टाइट कर सको श्वास भरो और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़कर शरीर को रिलैक्स हो जाने दो शिथिल हो जाने दो खोज शरीर पूरा ढीला छोड़ो ना तो शरीर मर जाएगा वैसे जब मरता है तो तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो जब ध्यान से शरीर छूट जाएगा तब तुम अमृत को प्राप्त हो जाओगे शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा शरीर का अभाव हो जाएगा ढीला कर दो रिलैक्स कर दो मुर्दा कर दो शरीर को नस नस को मुर्दा कर दो और तुम अकेले जिंदा रहो मकान को गायब कर दो मुर्दा करो जैसे है ही नहीं सिर्फ मिट्टी जीवित है लहरें मर गई पानी जीवित है गहने मर गए सोना जीवित है ऐसे ही भीतर चैतन्य है चैतन्य जीवित है आंखें नहीं चैतन्य जीवित है आंखें मर गई आंखों को खत्म करो कोई जरूरत नहीं देखना नहीं तो आंखें क्या जानना नहीं तो बुद्धि क्या चाहना नहीं तो मन क्या कुछ मैं चाहता नहीं इसलिए मन की जरूरत नहीं कुछ जानना नहीं मैं चेतन हूं जानना क्या है मुझे मैं चेतन हूं इसलिए मुझे समझना नहीं समझे जो चेतन ना हो मैं हूं ही चेतन चाहू तब जब मेज में कोई कमी हो मुझे मन नहीं चाहिए इसलिए च्वाइसलेस चाह रहित चैतन्य मन नहीं मुझे मन नहीं चाहिए मुझे विचार नहीं चाहिए मुझे इंद्रियां नहीं चाहिए मुझे देखना नहीं सूंघना नहीं छूना नहीं मुझे चाहिए कुछ नहीं इसलिए इंद्रियां छोड़ दी अब मुझे बैठना नहीं लेटना नहीं खड़ा होना नहीं कोई जरूरत नहीं इसलिए मुझे शरीर नहीं चाहिए इसलिए शरीर को कहो तू सो जा शरीर को कहो सो जा शरीर को कहो मर जा तू सो जा सोया और मुआ बराबर शरीर सो जाए समझो मर गया शरीर रिलैक्स हो गया शरीर छूट गया शरीर खो गया दर्द खो गया शरीर खो गया तनाव खो गया मन खो गया चिंता खो गई समझने की जरूरत खो गई बुद्धि खो गई तुम बुद्धि खो मन खो इंद्रियां खो दो तन खो दो जैसे चैतन्य रह गया चैतन्य रह गया चैतन्य रह गया और यदि ये बने रहें तुरंत न खोयें तो मरा हुआ शरीर है मरी हुई इंद्रियां हैं, मरा हुआ मन है मरी हुई बुद्धि है कोई जरूरत नहीं है जड़ बुद्धि है जड़ मन है जड़ इंद्रियां हैं, जड़ देह है चैतन्य मैं अकेला ही हूं सब मरे हैं, मैं जिंदा हूं सारा संसार मरा है जड़ है सुन्न है कुछ नहीं है मैं अकेला चैतन्य यदि शरीर में हो तो मैं चेतन हूं शरीर इंद्रियां जड़ हैं। यदि ब्रह्मांड में हो तो ब्रह्मांड जड़ है दृश्य है मैं अकेला चेतन हूं और अंत में यदि ब्रह्मांड ना दिखे तो और अच्छा दिखे तो मैं ब्रह्मांड में हूं यदि ब्रह्मांड का पता चलता है संसार का तो मैं संसार भर में हूं और यदि संसार खो जाए तो मैं बिना संसार का हूं मेरे होने में शक नहीं यदि संसार का स्मरण है विकल्प है कल्पना है आकाश है चंद्रमा है वायु है धरती है यदि ये संतूर जंगल पेड़ पहाड़ हैं यदि हैं तो इन सब का ज्ञाता मैं हूं सबका साक्षी मैं हूँ सबका प्रकाशक मैं हूँ और यदि पेड़ खो जाए पहाड़ खो जाए दृश्य खो जाए तो ये खो गए मैं थोड़ी खो गया हूं मैं हूं जरा सा सावधानी की जरूरत है जरा सा सावधान हो जागो आ अभी जगते हो तो संसार खड़ा हो जाता है और ठीक से जागो तो संसार खो जाएगा थोड़ी आग लगे तो लकड़ी धुआं करती है यदि देर तक जले तो लकड़ी गायब हो जाती है थोड़ा जगोगे तो जगत खड़ा हो जाएगा पूरा जग जाओ पूरा जग जाओ पूरे संसार में तुम हाजिर हो जाओ धीरे धीरे तुम व्याप्त हो जाओगे तुम्हारी सत्ता हर एक में मिलेगी वस्तु खोने लग जाएगी दृश्य खोने लग जाएंगे कल्पना खोने लग जाएगी चैतन्य तुम जरा चेतन तो हो चेतन माने बिना मन के चेतन माने मन से मुझे कोई लेना देना चेतन माने बिना इंद्रियों के चेतन माने बिना देह के देह है या नहीं है मैं चेतन हूं आंख है नहीं नाक है नहीं होठ है नहीं शरीर है या नहीं मैं तो हूं यदि ये हैं, यदि मकान है तो मैं मकान में हूं यदि मकान नहीं है तो बिना मकान क्यों? यदि गहना है तो गहने में हूं यदि गहना नहीं है तो बिना गहने का हूं यदि कुछ है तो दृष्टा प्रकाशक मैं हूं यदि कुछ भी है स्वर्ग है नरक है या तो कल्पना कर रहे हो नरक अरक तुम्हें दिखा ही नहीं झूठ बोलते हो यदि दिखा है तो तुम्हारे बिना दिख नहीं सकता इसलिए कीर्तन की लाइन में अक्सर बोलता हूं ये जग मेरे ही करके तो भान है तुम बिना इंद्रियों के बिना मन के अपने अंदर ख्याल करो सीधा चैतन्य जितना देखा सुना जाना है तुम्ही देखा तुम्ही सुना तुम्ही जाना है और अब यदि याद है प्रत्यक्ष है तो तुम्हारा देखा सुना जाना हुआ है ऐसा तुम्हारे ख्याल में कौन आएगा जिसको तुमने नहीं देखा आकाश तुमने देखा पृथ्वी तुमने देखी पेड़ पहाड़ तुमने देखे मनुष्य पशु पक्षी तुमने देखे नदी नाले देखे तुमने नहीं देखा ऐसा क्या है जो तुमने नहीं देखा वो ख्याल में भी नहीं आएगा तो सब तुम्हारा देखा हुआ है इसलिए सबके देखने जानने वाले तुम ही और तुम ही अकेले हो जो देखे नहीं गए तुम्हारे अलावा सब देखा गया तुम न देखे गए न किसी से जाने गए तुम तो स्वयं ही हो तुम्हें किस तुम्हें देखने की क्या जरूरत तुम्हें जानने की क्या जरूरत तुम तो हो ही जानने वाले तुम तो हो ही चेतन क्या जरूरत कि मैं जाना जाऊं मैं जाना क्यों जाऊं मैं जान रहा हूं मुझे कौन जाने क्यों जाने और फिर मेरे को कोई जड़ जानेगा क्या दूसरा चेतन कौन है जो मुझे जानेगा मेरे सिवा इसलिए इस मैं को इस चैतन्यता को इस सजगता इस साक्षी पने को आ, आ जगह नहीं रखा डिबिया में ये एक जगह नहीं रखा केवल आंखों या कानों में इसका तो अनंत विस्तार है बल्कि सारा संसार इसी में रहता है एक बार ख्याल करो तो मैं तो फैल गया सारा संसार मेरे अंदर समा गया अभी तो नदी में नाव डूबती थी नदी में नाव डूबती थी आज गजब हो गई नदी नाव में डूब गई नाव में नदियां डूबी जाए अभी संसार में मैं डूब के मर रहा था मैं देह में मर रहा था मैं इंद्रियों में रहता था आज उलट गया सब मेरे में रहता है अभी सागर पार करने का किनारा नहीं मिलता था आज किनारे ही किनारा है संसार नहीं मिलता खोजो देखो कहां है तुम्हारे बिना संसार कहा है तुम्हारे बिना कुछ कहा है तुम्हारे बिना नरक स्वर्ग कहा है तुम्हारे बिना कुछ अपनी इस चैतन्यता को इस महिमा को समझो सुनते सुनते बस वैसे ही सुनो जो सब कुछ भीतर बाहर जो कुछ भी है सब तुमको ही तो पता है बाहर ये है भीतर ये है पेड़ हैं पहाड़ हैं जमीन है आसमान है तुम कहीं से मन को मत हटाओ तुम ध्यान मत लगाओ तुम तो जो आ गया आने दो जो चला गया जाने दो तुमसे बाहर कोई जा नहीं सकता जाएगा खो जाएगा तुमसे बाहर कोई रह नहीं सकता बाहर होगा तो होगा ही नहीं कोई सोने से बाहर गहना होगा ही नहीं होगा तो सोने में होगा नहीं तो होगा ही नहीं लहर पानी के बाहर होगी नहीं या तो पानी में होगी या होगी नहीं बाहर जाने की गुंजाइश नहीं कोई दृश्य तुमसे बाहर नहीं जा सकता कोई स्वप्न तुमसे बाहर नहीं रह सकता या तो तुम में रहेगा या खो जाएगा कोई अनुभव कोई कल्पना या तो होगी नहीं और होगी तो तुम में होगी तुम्हारे रहते होगी तुम्हारे से होगी तुमसे होगी तुम में होगी तुम में दिखेगी और यदि तुम में नहीं है तो संसार अलग करके देखो कहां है पर अभी मन बन कर ना देखना मन तुमसे अलग कहां है मन यहां है तो तुम में है मन वहां है कहीं चला जाए मन देखो तुमसे दूर चला गया क्या मैं देह से नहीं कहता देह से मन दूर नहीं जाता ये नहीं कहता तुमसे मन दूर नहीं जाता यदि तुम सचमुच ध्यान दो तो तुम अपने अपने मन को अपने से अलग कर दो तो तुमको लाखों रुपया इनाम दूंगा तुम दूर करके दिखा दो अपने से अलग कर दो कर दो अलग मन को और जब अलग हो जाए तो कहना जहां मन है तहां तुम हो कि नहीं तो अलग कहां हुआ तुम मन को अपने से दूर करके दिखा दो या तो तुम में रहेगा या मन खो जाएगा बस या तो तुम हो मन नहीं है या मन है तो तुम में है बस इतना ही ध्यान देना है या तो मन है तुम में या फिर मन नहीं है तुम हो यह संसार है तुम में या तुम हो संसार नहीं है या कल्पना है तुम में या कल्पना नहीं है तुम हो या विचार है तुम में या फिर विचार नहीं है तुम अकेले हो जानना है तुम में तुम्हारे बिना जानना तुम्हारे बिना जानना जानना है मुझसे यदि कुछ नहीं जानता तो बिना जाने मैं हूं जानना मुझ में है और जानने के बिना मैं हूं जानना खो जाता है मैं नहीं खोता जानना पैदा होता है जानना व्रत्यात्मक है चैतन्य वृत्यात्मक नहीं है इसलिए जानना उपाधि है दृष्टा उपाधि से है चैतन्य निरुपाधिक है इसलिए सब में मैं हूं सब मुझ में है सब मुझ में है सब मुझ में है मेरे बिन नहीं कोई और कभी कभी सब नहीं है सब नहीं है सब नहीं है बहुत अच्छे करना धरना छोड़ दो करना धरना छोड़ो देखना सुनना छोड़ो पाना खोना छोड़ो जानना समझना छोड़ो कुछ ज़रूरत नहीं है जानने समझने करने की बिना जाने बिना समझे बिना किए नित्य प्राप्त की प्राप्ति नित्य उपलब्ध सदा ही है कहीं लाना नहीं कहीं से लाना नहीं कहीं जाता नहीं जो जाता है वो संसार जो आता है संसार वो भी जाता है तुमसे बाहर नहीं जा पाता ये जाता है मन कहीं चला जाए दुनिया में कहीं मन को भेजो फिर पूछना तुमको छोड़ गया क्या हाँ देह को छोड़ गया भीतर को छोड़ के बाहर चला गया बाहर को छोड़ के भीतर आ गया इसको छोड़कर उसको तुमको छोड़कर गया हो तो बताओ ध्यान दो तुमको छोड़ जाए मेरे तर्क की कसौटी से यदि तुम्हारा मन तुम्हें छोड़ जाए तो मैं तुम्हें इनाम दू तुमको छोड़कर मन जा नहीं सकता मन मर तो सकता है तुमको छोड़ देगा तो मन की मौत हो जाएगी तुमको छोड़ देगा तो जगत जगत नहीं रहेगा तुमको छोड़ेगा तो कुछ कुछ नहीं रहेगा तुमको छोड़ दे तो नींद नींद नहीं है तुमको छोड़ दे तो स्वप्न स्वप्न नहीं है तुमको छोड़ दे तो जागृत जागृत नहीं है जागृत भी तुम्हारे बिना नहीं है पर तुम जागृत के बिना कभी रहते हो जागृत अवस्था नहीं रहती तुम सपनों में भी थे स्वप्न नहीं रहते तुम जागृत में भी हो जागृत स्वप्न नहीं रहते तुम नींद में हो कभी नींद है कभी नहीं तुम कब नहीं हो आ इस सत्य को स्मरण करो तो बधाई तुमको बहुत अच्छे इस सच्चाई का श्रवण करो और सुनते ही सत्य हो जाओ सुनो और हो जाओ जनक ने सुना और हो गया काम बाद में मनन चिंतन वो बाद का विषय है लेकिन सुनते समय ही हो जाओ सुनते समय ही साक्षात हो जाए सुनते समय तुम्हारा अनुभव आ ऐसा लगे सुनते सुनते काम बन गया जो कुछ करके नहीं बना जो पापड़ बेल के नहीं बना जो जिंदगी लगा के नहीं बना सुनते सुनते ये सच्चाई है कि तुम्हारा मन तुमको छोड़ के नहीं जाता फिर भी तुम शिकायत करते हो मेरा मन चला जाता है हाँ तुम्हारा मन देह से जाता है भीतर आता है बाहर जाता है यहाँ वहाँ जाता है पर तुम तो यहाँ वहां सब जगह हो तुमके कैसे छोड़ेगा यदि तुम केवल यहाँ होते तो मन छोड़ जाता पर जहाँ मन जाता है वहां तुम ही हो चिड़िया आकाश को छोड़कर नहीं जा सकती पेड़ को छोड़कर जा सकती है जहाज को छोड़कर जा सकती है मकान को छोड़कर जा सकती है आकाश को छोड़कर चिड़िया कहाँ जाएगी जहां चलती है वहां आकाश चल रही है वहां आकाश जहाँ पहुंची वहां आकाश जहां से मन चलता है वहां तुम जहाँ मन जा रहा है वहां तुम जहाँ मन गया वहां तुम यदि वहां तुम नहीं तो मन वहां कहाँ, कैसे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कभी तो तुम जागो कि मैं हूं और कुछ नहीं अब तुम मैं हूं बस कहा हूं कैसा हूं क्या हूं छोड़ दो कहा छोड़ो कैसा छोड़ो कहा हूं कैसा हूं क्या हूं नहीं हूं बस मैं चेतन हूं यहां वहां की बात छोड़ो मैं चैतन्य हूं मैं कोई जड़ नहीं हूं मैं होश में हूं मुझे पता है अपने होने का और मुझे क्या जानना था अपने होने का मुझे पता है औरों के होने तक का भी मुझे पता अपने होने का भी मुझे पता औरों का भी मुझे ही को पता है और किसको पता है पर फिर भी तुम कहते हो हमको पता नहीं हमें आत्मा नहीं मिलती हमें आत्मा का ज्ञान करा दो एक बार समझ में आ जाएगा तो और सबका अज्ञान हो सकता है और सबका ज्ञान हो सकता है आत्मा का अज्ञान तो संभव ही नहीं है आत्मा का अभाव संभव ही नहीं है आत्मा का अभाव कैसे हो जाएगा बहुत अच्छे शरीर का कोई बंधन नहीं तुम अकड़े धकड़े मत रहना जैसे शरीर मर जाए मर जाने दो जैसे शरीर रिलैक्स हो जाए हो जाने दो इंद्रियों के बिना रहना हो रहो इंद्रियां तुम्हारे बिना न रहे हाँ या ध्यान रखो तुम्हारे बिना इंद्रियां ना हो पर तुम बिना इंद्रियों के हो बात बन जाए मन तुम्हारे बिना ना हो तुम बिना मन के हो जाओ विचार बुद्धि तुम्हारे बिना ना हो तुम बिना बुद्धि के हो जाओ बस पहुंच गए ये बुद्धि और मन ही तो बाधा थे अज्ञानी के लिए मन बुद्धि देह ही तो आत्मा के जानने में बाधा थे पर जानने के बाद ये रहें तो कोई बाधा नहीं क्योंकि इनके रहने से भी तो मैं हुई और यदि ये न रहे तब भी कोई बाधा नहीं क्योंकि तब तो मैं शुद्ध शुद्ध बिना किसी उपाधि का हूं मही शोपाधिक मही निरुपाधिक और उपाधियां भी सच्ची नहीं है स्वप्नवत झूठी हैं केवल मालूम पड़ती हैं कहीं इनका अस्तित्व तो नहीं है केवल दिखते मात्र हैं जैसे स्वप्न जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान जग को ऐसा जान और अपने को तो ब्रह्म पहचान बस बेड़ा पार काम बना काम तमाम हो गया हाँ बहुत अच्छे अब आपकी जितनी देर मौज हो दो चार मिनट हाँ बैठना है कुछ करना है परिवर्तन करना है कोई परिवर्तन जरूरी हो करो फिर चेतन काम करो वो छोड़ो मत कुछ कुछ करना है कर लिया बदलना है बदल लिया है सोचना है सोच लिया देखना है देख लिया है सुनना है सुन लिया बोलना है बोल लिया जपना है जप लिया श्वास लेना है ले लिया जरूरी है तो कर लिया नहीं जरूरी खत्म जब जरूर घड़ा बना लिया जब चाह मिटा दिया जब चाह गहना बना लिया जब चाह मिटा लिया जब चाहो मन खड़ा कर लो जब चाहो मन को मार दो जब चाहो हो ये कला आ जाए जब जरूरत पड़े मन जब जरूरत अमन जब जरूरत लहर नहीं तो कुछ नहीं जल इतनी जल्दी तुम जगत पैदा करो तुरंत खो दो तुम तुम सर्वशक्तिमान हो गए सर्व व्यापक हो गए ब्रह्म हो गए यदि ये कला आ गई जब चाहो इनको खड़ा कर दो खूब खिलौने बना लो खाण के जब चाहो खिलौने तोड़ दो फोड़ दो मिटा दो और बिना मिटाए केवल शक्कर देखो खिलौना गायब ऐसे ही तुम अपनी महिमा में जाग जाओ अपनी आत्मा की महिमा से परिचित हो जाओ सारा जगत कुछ भी नहीं है ये जगत खिलौना है खेल है स्वप्न है माया मात्र है केवल प्रतीति मात्र है कहाँ है ये यदि एक सेकंड भी ये बात क्लियर हो जाए सेकंड इतनी देर में सेकंड आ जाए जब तुम हो सब में एक सेकंड जब सब में तुम हो सब तुम में हो दूसरा सेकंड जब सब ना हो तुम हो बस ये दो ही दांव पेंच हैं सब तुम्हारे बिना नहीं होना चाहिए ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ये बिना मेरे रहता है मैं नहीं रहता तब भी संसार रहता है यही भ्रम है तुम्हें यही भ्रम है कि मन छोड़कर चला जाता है कभी लहर पानी को छोड़कर जा सकती है और हो सकती है यदि छोड़ेगी तो रहेगी नहीं जाएगी कैसे ही देर जाएगी जितनी देर जल के सहारे नहीं जाएगी कैसे ये मन जाएगा कैसे बिना तुम्हारी सत्ता के पर नहीं जानते हो तुम अपने को भूले हुए हो अपने प्रति सोए हुए हो आत्मा के ज्ञानी नहीं हो तुम्हें अपनी समझ नहीं अपने को पहचाना नहीं बिना मतलब ही अपने पहचाने बिना बिना मतलब के बखेड़े खड़े कर रखे हैं जनक कहते हैं अभी तक बिना मतलब में बखेड़े में पड़ा रहा यहाँ तो कुछ है ही नहीं मामला झंझट ही कोई नहीं ऐसा अनुभव करो और अब धीरज से सहज भाव से छोड़ दो और कुछ नहीं करना अभी यदि करते रहे हो करने में लगे रहे? नहीं तुम्हें करने कुछ नहीं जो हो जो दिख जाए जो सुनाई दे जाए जो पता चल जाए तुरंत बस कहो मैं हाजिर हूं और कुछ ना कहो लहर बन जाए पानी की इतनी ड्यूटी लहर हो तो कह दे मैं हूं मेरे बिना नहीं बुलबुला है तो कुछ भी है ऐसे कुछ भी ख्याल में आ जाए जागो बस इतना ही अनुभव करो कि मैं हूं बिना मेरे ये नहीं हो सकता था कुछ भी देह भी मन भी इंद्रियां भी अपनी उपस्थिति में है और कभी कभी मेरी उपस्थिति है पर और कोई उपस्थित नहीं है या बारी बारी अब ये आ गया ये चला गया अब वो आ गया वो चला गया रोशनी आ गई शब्द आ गया श्वास आ गई मन आ गया कल्पना आ गई इच्छा आ गई बाहर का ख्याल आ गया भीतर का ख्याल आ गया आ जाने तो दो घबराते हो आ गए और चले गए ये आई गई आकाश कहीं गया क्या तुम कहाँ चले जाते हो तुम सिर्फ अपने होश में नहीं हो अन्यथा ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए इसलिए न तन ही रहा न मन ही रहा बाजीगर वाला खेल खत्म हो गया अपने गुरु जी की अपने अष्टावक्र की महिमा कहाँ तक कहूं मेरा दुई वाला दाग खत्म हो गया मैं कौन हूँ ये समझ गया गल समझ ली फिर बोला क्या तो राम रहीम तो मौला क्या एक सेकंड को यदि ये बात बन जाए सेकंड को जब चाहो रिपीट कर सकोगे एक फोटो खींच जाए चाहे जितनी फोटो बनवाते जाओ एक निगेटिव से एक बार ये बात क्लियर हो जाए जब चाहो इसमें गोते लगाओ इसका अनुभव करो मस्ती लो निर्द्वंद हो जाओ और जन्मों जन्मों के इस मन को जो घसीटता रहा है तुम्हारे ज्ञान न होने से घसीटता रहा है तुम्हारी ना समझी से ये स्वामी बन गए थे मैं चेला बन के रहा ये मालिक बन गए थे मैं गुलाम बना रहा केवल न जान करके जाना तो ये चेले छोड़ो कभी कभी तो रहते तक नहीं क्या ये मेरे पर हावी होंगे ऐसे इस सत्य को समझो निर्द्वंद हो जाओ निश्चिंत हो जाओ ओम शांति शांति शांति